ऊना जिले के बंगाना उपमंडल के अंतर्गत सरोह गांव के शहीद सैनिक अनिल जसवाल का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ पैतृक गांव में अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार के दौरान सेना के जवानों ने सलामी ली। शहीद सैनिक के पार्थिव शव करीब 4 बजे बंगाना लठियानी होता हुआ उनके पैतृक गांव पहुंचा और हर किसी की आंखें नम हो गई। वहीं क्षेत्र में पूरी तरह से मातम छा गया। पूरा सरोह गांव शहीद अनिल जसवाल अमर रहे, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। इसके बाद शहीद का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। सैन्य अधिकारी और जवानों की टुकड़ी ने अनिल जसवाल को अंतिम सलामी दी और उनकी शहादत को सलाम किया, जिसके बाद शहीद के पार्थिव शरीर को उनके भाई ताया के बेटे ने मुखाग्नि दी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर भी शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने शोक संपत्त परिवार को ढांढस बंधाया और कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश उनके साथ है। उन्होंने कहा कि शहीद अनिल के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि शहीद के परिवार को प्रदेश सरकार की ओर से 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद व नक्सलवाद को कुचलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार कड़े कदम उठा रही है और लड़ाई निर्णायक दौरे में है। वो आतंकियों के साथ लोहा लेता हुआ शहीद हुआ है, क्या मैं उसकी शहादत को नमन करता हूँ। उसने आतंकवादियों से लड़ते हुए और देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए और इस देश से आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त करने के लिए जो है वो अपने प्राणों की आहुति दी है। आज सारा माहौल गमगीन है, लेकिन उसकी शहादत को जो है वो नमन करता है। परिवार की किस तरह से सहायता जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ये निर्णय लिया है कि शहीद ने तो अपना काम पूरा कर लिया, उसने शहादत दी इस देश की एकता और अखंडता के लिए। बाकी जो उसके परिवार की जो परवरिश है उसको आर्थिक सहायता और परिवार में जो है वो एक सदस्य को जो है वो सरकारी कार्यालय में सरकारी क्षेत्र में जो नौकरी दी जाएगी, ये हिमाचल प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है जो निर्णय लिया है। सर, आज आतंकवाद जो है वो एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, कई जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जब से इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, इस देश से निश्चित रूप से जो आतंकवाद है और नक्सलवाद जो है वो उसने इस देश में जड़ें जमाई थी, लेकिन इसको समाप्त करने के लिए, इसको कुचलने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने और इस देश की सरकार ने जो है वो बड़े कठोरता से इसके ऊपर प्रहार किए हैं और ये अंतिम चरण में है और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार जो है वो एक निर्णायक स्थिति में जो है पहुँचेगी। सर, जो आपने आर्थिक सहायता की बात की वो कितनी आर्थिक सहायता होगी? सरकार जो है वो सरकार का ये निर्णय है कि हम 20 लाख रुपए जो है इस परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में प्रदेश की सरकार देगी और ये परिवार में एक व्यक्ति को जो है वो नौकरी भी देगी। धन्यवाद।